हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वाली वीडियो में दोस्तों हम ब्लैक स्मिथी जो चैप्टर है उससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फोर्जिंग करते समय यदि धातु को बहुत कम तापमान पर गर्म करेंगे तो क्रैक हो सकती है तथा अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो धातु अपनी स्ट्रेंथ खो सकती है। तो यह दोस्तों बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तो यह सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न मटेरियल की फोर्जिंग नहीं की जा सकती है। दोस्तों इसमें ऑप्शन है रॉट आयरन, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन स्टील। तीसरा क्वेश्चन है, एनबिल प्रायः निम्न मटेरियल का बना होता है। तो दोस्तों एनबिल जो है हमारा वह कास्ट आयरन का बना होता है। चौथा क्वेश्चन है, एनविल का अंग नहीं है। तो दोस्तों बीक, टेल और फेस यह तीनों ही एनविल के अंग हैं, लेकिन फुलर जो है एनविल का अंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुलर। पांचवा क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की फोर्जिंग ऑपरेशन करते समय जॉब को पकड़ने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब हम फोर्जिंग करते हैं तो गर्म जॉब को पकड़ने के लिए हम सनसी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टोंग्स। छठा क्वेश्चन है, पावर हैमर के रूप में आजकल सामान्यतः निम्न हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पावर हैमर यानी चोट लगाने के लिए, तो दोस्तों हम उसके लिए न्यूमेटिक, मैकेनिकल या हाइड्रोलिक इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर जो है छठे का हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। सातवां क्वेश्चन है, निम्न के चारों साइड पर कई डिजाइन के अर्धवृत्ताकार, अर्धषटभुजाकार और वी आकार के ग्रुप बने होते हैं। तो दोस्तों यह ग्रुप जो है वह स्वेज ब्लॉक के चारों ओर बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेज ब्लॉक। आठवां क्वेश्चन है, निम्न फोर्जिंग टूल का प्रयोग गोल रॉड को ड्राइंग करने के लिए और मुड़े हुए गोल रॉड को सीधा करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों गोल रॉड को सीधा करने के लिए हम स्वेज ब्लॉक का प्रयोग करते हैं, तो इसका भी आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा स्वेज ब्लॉक। नवा क्वेश्चन है, निम्न फोर्जिंग टूल्स का प्रयोग जॉब पर होलो ग्रुप या नीक बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा फुलर। दसवां क्वेश्चन है, हार्ड डाई के स्क्वायर सेंक को एनविल या स्वेज ब्लॉक में फिट करके गर्म लोहे को इसकी कटिंग एज पर रखकर चोट लगाकर काटा जाता है, इसको एनविल कटर भी कहते हैं। तो दोस्तों यह बिल्कुल सत्य है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, गर्म लोहे में होल बनाने के लिए निम्न टूल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों गर्म लोहे में होल बनाने के लिए हम पंचिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं, और दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन, एंड कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो सभी में काम आएंगे। बारहवां क्वेश्चन है, पंचिंग किए हुए होल को टेपर समांतर या किसी दूसरे आकार में बड़ा बनाने के लिए निम्न टूल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ड्रिफ्टिंग टूल। तेरहवां क्वेश्चन है, फोर्जिंग शॉप में जॉब को पकड़ने के लिए निम्न वाइस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फोर्जिंग शॉप में हम जॉब को पकड़ने के लिए लेग वाइस का प्रयोग करते हैं, और दोस्तों लेग वाइस की पूरी बॉडी जो होती है वह माइल्ड स्टील की बनी होती है। चौदहवां क्वेश्चन है, फोर्जिंग शॉप में जॉब की माप चेक करने के लिए प्रायः निम्न रूल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फोर्जिंग में हम जो है श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि श्रिंक रूल का प्रयोग दोस्तों हम गर्म जॉब को मापने के लिए करते हैं, या फोर्जिंग शॉप में जो है दोस्तों श्रिंक रूल का ही प्रयोग किया जाता है। पंद्रहवा क्वेश्चन है, निम्न ऑपरेशन में मोटे जॉब को गर्म करने के बाद हथौड़े से पीटकर पहला बना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ड्राइंग डाउन। सोलहवा क्वेश्चन है, ड्राइंग आउट ऑपरेशन विपरीत होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रिफ्टिंग। ड्राइंग आउट ऑपरेशन जो है ड्रिफ्टिंग होती है, के विपरीत होती है। सत्रहवा क्वेश्चन है, बोल्ट और रिविट के हेड प्रायः निम्न ऑपरेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर वह हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया नहीं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा हीटिंग और कूलिंग के द्वारा, हीटिंग और कोल्ड वर्किंग के द्वारा जो है रिविट के हेड बनाए जाते हैं। अठारहवा क्वेश्चन है, फिनिश टूल नहीं है।
तो दोस्तों फिनिशिंग टूल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा फुलर। 19वां क्वेश्चन है, लाल सुर गर्म धातु को पीटकर विभिन्न रूप देने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फोर्जिंग। 20वां क्वेश्चन है, फोर्जिंग चाहे किसी भी विधि से क्यों ना की जाए परंतु हर हालत में धातु को प्लास्टिक अवस्था में लाने के लिए लाल सुर गर्म करना पड़ता है। तो दोस्तों यह बात बिल्कुल सत्य है, यह सत्य हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील के लिए उपयुक्त फोर्जिंग टेम्परेचर रेंज है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 860 से 1340 डिग्री सेल्सियस। 22वां क्वेश्चन है, जो चीजल गर्म धातु को काटने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हॉट चीजल कहते हैं, इसका कटिंग एंगल खालिस्तान होता है। तो दोस्तों यह भी बार बार पूछा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। 23वां क्वेश्चन है, पावर हैमर की श्रेणी में नहीं आते हैं। दोस्तों सीम हैमर जो हैं वह पावर हैमर की श्रेणी में नहीं आते, बाकी जो हैमर इसमें दिए हैं फेनिक, ड्रॉप पावर, स्प्रिंग और हाइड्रोलिक, ये सभी जो है पावर हैमर की श्रेणी में आते हैं। 24वां क्वेश्चन है, निम्न का प्रयोग शार्प कॉर्नर बनाने के लिए या जॉब के किनारों को फ्लैट बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्लैटर। 25वां क्वेश्चन है, धातु के दो टुकड़ों को फोर्जिंग, वेल्डिंग तथा गर्म करके बाहरी दबाव द्वारा जोड़ने की विधि को फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल सत्य है और ये बार बार पूछा जाता है। 26वां क्वेश्चन है, फोर्ज वेल्डिंग की विधियां हैं दोस्तों, लैप वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग और टी जॉइंट वेल्डिंग, ये सभी जो है फोर्ज वेल्डिंग की विधियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो ब्लैक स्मिथी चैप्टर से पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।